हम जी जानकी है, हम मद्रास टाइप में अयंगार टाइप में डायरेस बनाने वाला है। उसमें गाजर, काकड़ी, अदरक, थोड़ा ग्रीन मिर्ची, इंक डाल के, नमक डाल के बनाती हूँ। उसमें हम लोग को पुड़नी देते हैं राई उड़ता डाल, उसमें पुड़नी देते हैं करो पत्ता देता है, ये सब डाल के हम लोग को दहरेस बनाते हैं। वो गर्म के टाइम में अच्छा रहता है। उसके बाद में हम लोग को शादी में, फिर बच्चा को बर्थडे आता है, पहला बर्थडे, ये सब में हम लोग बनाते हैं ऐसे श्रीमंदम, इसमें ये सब कुछ ऐसे बना के खिलाता है। उसमें चार पांच आइटम दवा का रहता है, इसके लिए दबित के लिए अच्छा है। हम लोग में दहरेस जास्ती खाता है, इसलिए हम इसको पाव किलो रेस पकाया दहरेस के लिए। अभी इसमें मैं नमक डालने वाला है, इसको अच्छा तरफ से मिक्स करने का है। अच्छा मिक्स करेंगे तो बच्चा लोग का अच्छा तरफ से खाता है, थोड़ा कड़क रहेंगे तो खाने के लिए मुश्किल होता है, बूढ़ी लोग को भी खाने का अच्छा रहता है। इसमें पाव लीटर दूध डाल दिया, वापस मिक्स करने का है। अभी इसमें थोड़ा दही डालती हूँ, इसमें पहले दूध डाला ना, इसलिए थोड़ा दही डालती हूँ। बहुत दही डालेंगे तो खट्टा हो जाए। अभी हम लोग को सुबह इसको तैयार कर देगा ना, तुम लोग ऐसे रख देने का, कभी खाना खिलाने का टाइम दही डाल के मिक्स करने का, पहले मिक्स करेंगे तो बहुत खट्टा हो जाता है। इसमें मिर्ची, थोड़ा ग्रीन मिर्ची, थोड़ा करोपत्ता, हिंग, राई, ये सब मिक्स होना चाहिए। अभी मिक्स करेगा, थोड़ा तेल निकालने का, 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच उल्ट डाल, साथ में मिर्ची, अदरक, करोपत्ता, इसमें पूरा इसमें पानी डाल के मिक्स करके डालना, इसमें बैठ जाता है। इसके लिए वो भी गर्म पानी रखने का, साइड में ठंडा होने के बाद डालना। पहले हम लोग को फैमिली में ऐसे बनता था, अभी आजकल होटल में भी सब जगह में ऐसे चालू हो गया है। वो मिर्च के लिए 2-3 चम्मच तेल डालते हैं, उसको हम दही में डाल के, नमक दही में डाल के रखता है, हल्दी, नमक, दही, ये डाल के इसको अंदर भर के फिर दही में डाल के सुखा रख के रखता है। इसको हम लोग को मोर मलावा बोलता है, दही में दही मिर्च हम लोग गर्म करते हैं। इसको अच्छा तरफ से काला होने के तक भून बनने का, ऐसे निकालेंगे तो ना बहुत फीका लगेगा। उसको हम लोग को साइड में रख के निकाल के खाते हैं। डायरेस तैयार हो गया है, आप लोगों को काट के हमको बता दो कैसे है। अभी इसके साथ हम मिर्ची भी रखा है। बाय बाय।